हेलो फ्रेंड्स दिस इज नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ बुक्स तो इस वाले चैनल पे हम जो है बुक ओवरव्यू करते हैं तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बुक ओवरव्यू होगा यू नेट पेपर टू का जो ऑप्शनल पेपर होता है सोशियोलॉजी के बारे में तो ये है बुक आप देख सकते हैं यह बुक एन टी ए यूजीसी नेट पेपर टू सोशियलॉजी इसके बारे में हम देखेंगे इसके कंटेंट के बारे में लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में पैटर्न ऑफ लैंग्वेज के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के बारे में इसके बारे में देखने के बाद हम देखेंगे इसका ऑफलाइन प्राइस ऑफ और ऑनलाइन प्राइस उन दोनों को कंपेयर करके इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ फाइव तो ये जो बुक लाता हूँ मैं लाता हूँ द लो हाउस से मुखर्जी नगर में जो शॉप है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इसका नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगा तो वहाँ की जो क्वालिटी रहती है बुक की काफी अच्छी रहती है और पेज की क्वालिटी भी काफी अच्छी रहती है वहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट मिलती ओरिजिनल बुक्स मिलती हैं, ठीक है तो वहां पे आप विजिट करके ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ये है एनटीए यूजीसी नेट जी आर एफ सेट का पेपर टू जो ऑप्शनल पेपर होता है उसकी बुक है सोशियोलॉजी की तो इसमें सारा का सारा जो सोशियोलॉजी का कंटेंट है वो आपको मिलेगा ठीक है तो ये जो पब्लिकेशन है अरियंत पब्लिकेशन की है अरयंत पब्लिकेशन की खासियत यह है कि जितना भी अपडेटेड सिलेबस है टेन यूनिट के हिसाब से इसमें टेन टेन यूनिट सब कुछ कवर किया जाता है ठीक है तो एज पर अपडेटेड सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम जून ट्वेंटी ऑनवर्ड्स जून ट्वेंटीन में जो सिलेबस था यूजीसी नेट का वो अपडेट किया गया था उसमें टेन यूनिट्स एड की गई थी उसी हिसाब से जो अरियंत ने पब्लिकेशन किया है थ्री पेपर विद लेटेस्ट सोल्व पेपर चलिए इसके के बारे में देखते हैं। तो इसका जो है, वो भी आपको चलिएगा सोशोलॉजिकल थोरी यूनिट टू रिसर्च मैथोलॉजी एंड मैथड्स रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी एंड सोसाइटी एनवायरमेंट एंड सोसाइटी फैमिली मैरिज एंड किनशिप साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी कल्चर सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन तो ये जो कंटेंट है ये भी इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं यूनिट वन सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म मैन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन पोस्ट मॉडर्निज्म स्ट्रक्चरलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंडियन थिंकर तो आप देख सकते हैं यहां पर वन बाय वन सेकंड यूनिट है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मैथड इसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मैथड एंड टेक्निक्स स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यूनिट थ्री में आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन सोशलॉजी के जैसे सोशलॉजिकल कंसेप्ट उसके बाद आता है सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल स्टेटिफिकेशन उसके बाद आता है सोशल चेंज एंड प्रोसेस है यूनिट फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये जितना भी जितनी यूनिट चल रही है वो सिलेबस के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं रूरल एंड पीज एंड सोसाइटी अर्बन सोसाइटी यूनिट फाइव है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया उसके बाद आता है आपका सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट यूनिट सिक्स आती है इसकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी इसके अंदर एक्सचेंज मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी स्टेट एंड मार्केट डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स उसके बाद आता है एनवायरमेंट एंड सोसाइटी उसके अंदर आता है सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी डेवलपमेंट डिसप्लेसमेंट एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज एंड डिसेबिलिटी यूनिट एट है इसकी फैमिली मैरिज एंड किनशिप उसके अंदर है फैमिली मैरिज एंड किनशिप चेंजिंग नॉर्म्स इन फैमिली एंड मैरिज ठीक है उसके बाद आता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसके जो लास्ट यूनिट है यूनिट टेन कल्चर एंड सिम्बोलिक ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एडुकेशन आर्ट एंड एस्थेटिक्स एथिक्स एंड मोरालिटी फिर उसके बाद मॉडल पेपर आ जाता है तो इसमें जो सोल्व पेपर भी हैं आप देख सकते हैं 2021 के जो सोल्व पेपर है काफी लेटे बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है अरियंत का और आप इसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशलॉजी के अंदर ठीक है तो इसमें हंड्रेड क्वेश्चन है पूरे सेट के अंदर और फिर उसके बाद जो है सेट टू है इसमें तो दो सेट दिए सॉरी इसमें ट्वेंटी ट्वेंटी टू का भी पेपर टू दिया हुआ है ठीक तो है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का ट्वेंटी 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 का दोनों के इसमें सोल्व पेपर दिए हुए इसमें ट्वेंटी नाइनटीन का भी दिया हुआ है पेपर टू का ठीक है तो कितने नाइनटीन एटीन का भी दिया हुआ है एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन चार इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं अब आता है इसका चैप्टर नंबर वन इसका लेवल ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं कि इसका जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो हार्ड है मॉडरेट है या फिर ईजी है तो आप देख सकते हैं यूनिट वन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज क्लासिकल सोशल ट्रेडिशन सब पॉइंटिकल ट्रेडिशन एमआईलॉजिकल ट्रेडिशन कंसिडर्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ कलेक्टिव बिलिवस एस एन असेंशियल टास्क द एंड ट्रेडिशनल कलेक्टिविटीज डेवलप मेनी एंड वेराइट फॉर्म ऑफ थॉट सच एज क्लासिकल आइडियोलॉजिकल रिलीजियस साइंटिफिक एटसेट्रा The classical sociological tradition is framed by the works of Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim. They have given different views and theories in sociology. विच हेज हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन अ बेटर मैनर देख सकते हैं आप इसके जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है काफी मॉडरेट में कहूंगा अगर आपने एनसीआर टी को अपना कवर किया हुआ है सोशलॉजी की इलेवंथ की और ट्वेल्थ की तो आपको इसको समझने में इसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं होगी आप जो ईजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद इसमें देख दिया हुआ है सोशलॉजिकल ट्रेडिशन फिर इसी तरीके से इसके सारे के सारे सब पॉइंट्स चलेंगे तो इसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसी तरीके से कवर हो जाता है तो इसमें मैं कहूंगा कि काफी डिटेल में नहीं दिया गया लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनसे आगे आप अपने आपको देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत से लोग जो हैं पेपर के कुछ ही दिन पहले पढ़ते हैं लेकिन आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आप हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सकते हैं जब आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका जो आपने जो पढ़ा है वो कितना एक्यूरेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा ठीक है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आप क्वेश्चन को इनको सोल्व कर सकते हैं तो इसी तरीके से ये बुक पूरी लिखी गई है फिर सेकंड चैप्टर आता है फिर सेकंड चैप्टर के अंदर फिर क्वेश्चंस आएंगे फिर थर्ड चैप्टर आता है थर्ड थर्ड चैप्टर के अंदर फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके से पूरी की पूरी बुक लिखी गई है अरियंत के द्वारा तो काफी अच्छा पब्लिकेशन है अरियंत आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अरियंत ने और भी कितनी सारी बुक्स को पब्लिश किया हुआ है ठीक है तो इसके जो फीचर है बुक्स का जो फीचर है वो है कंप्लीट कवरेज ऑफ लेटेस्ट सिलेबस को कंप्लीट कवरेज किया गया है चैप्टरवाइज फोर थाउजेंड मल्टीपल चोइस क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए इंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थ्री मॉडल पेपर ऑन लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है 2021 दिसंबर 2020 नवंबर 2019 दिसंबर 2018 जुलाई सोल पेपर भी इसमें दिए हुए हैं इसका जो एमआरपी है वो है सिक्स सिक्सटी फाइव ठीक है आपका एमआरपी एमआरपी पे एमआरपी का जो रेट है उस पर नहीं मिलेगी आप जो जब ऑफलाइन इसको परचेज करने जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ठीक है तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं और अब मैं आपको ऑनलाइन का भी प्राइस दिखा दूंगा लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि उसमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है और उसके जो क्वालिटी है पेपर की और उसका जो कॉन्टेंट की क्वालिटी होती है है वो हो जाती है। लेकिन ऑफलाइन लेने जाते है, तो हैं तो आप जो है खुद देखकर जो है 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 जो कि मुखर्जी नगर में काफी अच्छी बुक से मिलती है मैं आपको दिखा दूंगा तो यही था इस बुक के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा ताकि और भी बच्चों को इसकी मदद हो सके तो बाय फ्रेंड्स ये है वो बुक शॉप जहाँ से हम अपनी रेगुलर्स बुक ख़रीदते हैं और यहाँ पर जो है बुक थी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है जेरोक्स नहीं मिलती ओरिजिनल ही बुक मिलती है और यहाँ पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जितने भी यू पी एस सी यू जी सी नेट जे उन सभी की बुक यहाँ पर अवेलेबल होती है अगर आप हमारा रेफ़र यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा ये है ऑनर इस दुकान के